हेलो फ्रेंड्स, कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ 2 को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और केजीएफ मूवी को भी सबने बहुत ज्यादा प्यार दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, केजीएफ सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक वास्तविक जगह है और इसका पूरा नाम है कोलार गोल्ड फील्ड्स। केजीएफ कर्नाटक के बेंगलुरु शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित भारत की सबसे पुरानी सोने की खान है। एक समय में ये खदान भारत को सबसे ज्यादा सोना देने वाली खान थी, जिसे आज हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स एक समय भारत की सबसे बड़ी सोने की खदान हुआ करती थी, जिसके अंदर से 900 टन से भी ज्यादा सोना निकाला जा चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का 95% से भी ज्यादा सोना इस अकेले खदान से ही निकाला जाता था। तब भारत को दूसरे देशों से सोना इम्पोर्ट करने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन आज हाल यह है कि यह खदान पिछले 20 सालों से बंद पड़ी हुई है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इतना सोना उगलने वाली यह खदान आखिर बंद क्यों की गई और इसका केजीएफ मूवी से क्या कनेक्शन है। दरअसल कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटक राज्य के कोलार डिस्ट्रिक्ट में आने वाला एक माइनिंग एरिया है, जो कि कोलार शहर से 30 किलोमीटर और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां आज लगभग 260,000 लोगों की आबादी रहती है। ये सभी वही लोग हैं जिनके पूर्वज दशकों पहले इसी सोने की खदान में काम करते थे। साल 2018 से पहले इस खदान के बारे में जाना तो दूर, लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना था। लेकिन 2018 में आई कन्नड़ फिल्म केजीएफ के बाद हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, केजीएफ। बताया जाता है कि इस खदान में सोने की खोज किंगडम ऑफ मैसूर के समय से ही शुरू हो गई थी। लेकिन तब टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि माइनिंग का काम बहुत बड़े स्तर पर किया जा सके। और दोस्तों, सही मायने में देखें तो बड़े स्तर पर इस खदान से सोना निकालने का काम ब्रिटिश राज के दौरान ही शुरू हुआ। सन 1871 में माइकल लावेल नाम के एक रिटायर्ड ब्रिटिश फौजी को यहाँ सोना होने की उन रिपोर्ट के बारे में पता चला, जो कि 19वीं सदी के शुरुआत में छापी गई थी। और ये रिपोर्ट पढ़कर ही माइकल के दिमाग में यह ख्याल आया कि क्यों ना इस जगह पर गोल्ड माइनिंग की जाए। और फिर इसी सोच के साथ ही माइकल ने कुछ सालों तक खुदाई और सर्वे करवाए, जिससे कि वो इस जगह पर सोना खोजने पर कामयाब रहे थे। और फिर इसके बाद साल 1875 में उन्होंने यहाँ माइनिंग करने के लिए सरकार की परमिशन हासिल कर ली। अब क्योंकि कोलार गोल्ड फील्ड्स एक बड़ा माइनिंग रीजन था और माइकल के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अकेले अपने दम पर इतने बड़े माइनिंग ऑपरेशन को अंजाम दे सके, इसलिए उन्होंने इस काम के लिए इन्वेस्टर खोजना शुरू कर दिया। और इस तरह से केजीएफ की माइनिंग का यह काम जॉन टेलर एंड सन्स नाम की एक ब्रिटिश कंपनी के हाथों में आ गया, जिन्होंने साल 1880 में माइनिंग ऑपरेशन को अंडर में ले लिया। और इस कंपनी के आते ही यह माइनिंग का काम बड़े स्तर पर किया जाने लगा। शुरुआती दौर में मजदूर यहाँ पर बहुत ही खराब कंडीशन में काम किया करते थे, क्योंकि उस समय माइनिंग के लिए मशीनरी तो दूर, बिजली तक की सुविधा नहीं थी। और यही वजह थी कि बहुत से मजदूरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। एक सरकारी आंकड़े के अनुसार 120 साल तक चली इस माइनिंग में लगभग 6000 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। अब यूं तो जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी के आने के बाद से यहाँ पर माइनिंग का काम बहुत तेज रफ्तार से होने लगा था, लेकिन कंपनी अभी भी इस रफ्तार से संतुष्ट नहीं थी। इसलिए काम की रफ्तार को और ज्यादा बढ़ाने के लिए साल 1890 में कंपनी ने सबसे आधुनिक मशीनें लगाई। और ये मशीनें इतनी एडवांस थी कि अगले 100 सालों यानी 1990 तक इन्हीं मशीनों से माइनिंग की जाती रही। हालांकि मशीनें लगाने के बाद कंपनी को बिजली की भी जरूरत महसूस हुई, क्योंकि माइंस के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा हुआ करता था। और फिर बिजली की इस जरूरत को पूरा करने के लिए भारत के अंदर देश का अपना पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया, जिससे कि हम कावेरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। यानी कि जिस समय दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में बिजली पहुंच भी नहीं पाई थी, उस समय केजीएफ पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड हो गया था। इतना ही नहीं, माइनिंग मशीनों को मिट्टी छानने के लिए जिस पानी की जरूरत पड़ती थी, उस जरूरत को पूरा करने के लिए केजीएफ के बेतमंगला टाउन के अंदर एक बहुत बड़ी आर्टिफिशियल लेक भी बनाई गई। इन सभी जरूरतों को पूरा करते करते साल 1902 आ गया था और अब
केजीएफ माइन भारत का अकेला ही 95% से ज्यादा सोना प्रोड्यूस करने लगी। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ ही इस इलाके की तरक्की भी काफी हो गई। इस माइन के अंदर जो ब्रिटिश ऑफिसर बड़े औहदे पर काम करते थे, उन्होंने अपने रहने के लिए यहाँ पर घर बनवाने शुरू कर दिए और इस तरह से देखते ही देखते यह इलाका एक बड़े शहर में बदल गया। यहाँ पर उस समय बड़े बड़े और पक्के मकान, हॉस्पिटल, क्लब हाउस और बहुत सारी चीजें बनाई गई। यहाँ तक कि इस शहर को उस समय मिनी इंग्लैंड तक कहा जाने लगा। हालांकि शहर में नजर आने वाली यह ज्यादातर सुख सुविधाएं ब्रिटिश ऑफिसर्स और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए होती थी जो माइंस के अंदर बड़े औहदे पर काम करते थे, जबकि खदान में मजदूरी करने वाले भारतीय लोगों को बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं दी जाती थी। इसके बावजूद यहाँ माइनिंग का काम 76 सालों तक चलता रहा, जो कि देश के आजाद होने के 9 साल बाद भी इसी ब्रिटिश कंपनी के अंडर रहा। पर साल 1956 में यहाँ की राज्य सरकार ने इस माइन को अपने अंडर ले लिया। इसके बाद साल 1972 में भारत सरकार ने BGML यानी कि भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड की स्थापना की, जिसने कि इस खदान पर होने वाली माइनिंग के काम को अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी कि 1972 में ये माइनिंग रीजन पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ गया। शुरुआत में तो सोना ऊपरी सतह में ही मिल जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही ये माइन गहरी होती गई और जब तक ये माइन भारत सरकार के हाथों में आई तब तक इसकी गहराई करीब 3 किलोमीटर तक पहुंच गई, जिस कारण उस समय यह दुनिया की सबसे गहरी माइन कहलाई गई, जहां का टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस था, जो यहां पर काम करने वाले मजदूर की मौत का कारण भी बना। साल 1880 में शुरू हुआ माइनिंग का यह काम 120 साल तक चलने के लगातार बाद से 2001 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और 120 सालों में इस गोल्ड माइन से लगभग 900 टन से भी ज्यादा सोना निकाला गया। असल में इस माइन के बंद होने का मुख्य कारण था आखिरी सालों में निकलने वाली सोने की मात्रा, जो कि काफी कम हो गई थी। शुरुआत में यहाँ खोदे जाने वाले प्रति एक टन अयस्क में सोने की मात्रा 47 ग्राम के आसपास होती थी, लेकिन 1990 के बाद से ही यह मात्रा सिर्फ 3 ग्राम प्रति टन रह गई थी और इतना कम सोना निकलने की वजह से BGML को लगातार नुकसान हो रहा था। साथ ही खदान के बेहद गहरे हो जाने की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट में भी लगातार वृद्धि हो रही थी और प्रॉफिट दिन प्रतिदिन घटता ही जा रहा था, जिस कारण 28 फरवरी 2001 के दिन हमेशा के लिए इस खदान को बंद कर दिया गया। इस खदान को बंद करने का फैसला भी काफी अचानक लिया गया, जिसकी वजह से यहाँ काम करने वाले लोगों की जिंदगी पर इसका बहुत बुरा ज्यादा असर पड़ा। जो लोग खदानों में काम करते थे वे लोग रातों रात बेरोजगार हो गए और माइनिंग बंद होने के बाद से इस एरिया में पानी और बिजली जैसी जरूरी चीजों की आपूर्ति भी सही ढंग से मिलनी बंद हो गई। एक समय जो जगह अपनी खूबसूरती, सुख सुविधाओं और साफ सुथरे वातावरण के लिए मिनी इंग्लैंड कही जाती थी, आज वही जगह देखने पर किसी नर्क की जैसी भयानक नजर आती है। तो यह थी रियल KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स की कहानी, जिसने हमें बहुत ज्यादा एंटरटेन किया। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलती है अपनी अगली वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।